हेलो दोस्तों दोस्तों आपका ट्रैवल इन फॉरेन ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अम्बाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों यह तीन राज्यों से जुड़ा है और यह एक्सप्रेसवे महज 3 घंटे में जयपुर से चंडीगढ़ का सफ़र तय कर पाएगा। दोस्तों देश के अनेक हिस्सों में एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे तक अन्य प्रमुख शहरों से पहुँच को आसान बनाने के लिए एक्सप्रेस कंट्रोल रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। इन्हीं में से एक अम्बाला कोटपुतली एक्सप्रेस कंट्रोल आर्थिक गलियारा है, जिसकी जो लंबाई और दूरी है वो लगभग 313 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण किया जाना तय माना जा रहा है। इस पर काम भी चल रहा है। दोस्तों 313 किलोमीटर लंबे अम्बाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इस कॉरिडोर में वाहन सरपट दौड़ सकेंगी। मालवाहक के साथ ही कार बसें भी पहले की तुलना में कम समय लेंगी और डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच पाएंगी। दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इसके ऊपर जानकारी देते हुए यह भी बताया कि ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से राजस्थान हरियाणा पंजाब में तेज कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा और साथ ही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगा। इसमें 6 लेन एक्सप्रेसवे कंट्रोल अम्बाला कोटपुतली आर्थिक गलियारा के पूरा होने से दोनों शहरों के बीच में लगभग जो दूरी है 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। दोस्तों कोटपुतली अम्बाला एक्सप्रेसवे बनने से अब राजस्थान की राजधानी जयपुर से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जाने में भी लोगों को कम समय लगेगा। साथ ही अम्बाला कोटपुतली कॉरिडोर से जयपुर से चंडीगढ़ के बीच जो दूरी है लगभग 477 किलोमीटर रह गई है, इससे आम जनता को काफ़ी लाभ मिल रहा है। दोस्तों अम्बाला कोटपुतली कॉरिडोर लगभग 9500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है और यह कॉरिडोर से चंडीगढ़ और हरियाणा के दक्षिणी जिलों के साथ साथ राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी आसान हो गई है। साथ में यह कॉरिडोर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS की सुविधाओं से भी लैस माना जाएगा। दोस्तों यह आर्थिक गलियारा हरियाणा के 8 जिले जैसे कुरुक्षेत्र केथल करनाल जिंद रोहतक भिवानी चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के बीच लगभग 112 गांव से होकर गुजरता है और साथ में राजस्थान से आने वाली गाड़ियों अब कठपुतली के पनियाला मोड़ से नारनौल के मंडी बाईपास से होते हुए अम्बाला तक सीधा पहुंच पाएंगे। इससे आम जनता को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही जो लोग यहां पहली बार आएंगे उनको भी काफ़ी इसका जो स्वरूप है बदला हुआ लगेगा। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।